दलितों की याद, आदिवासियों की याद, पिछड़ों की याद तब आती है जब उन्हें मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने होते हैं, मस्जिदों के ऊपर जो है भगवा लहराना होता है, या फिर किसी मंदिर आंदोलन के लिए दंगे करवाने होते, तभी जाकर के उन्हें हिंदुओं के नाम पर दलितों की याद आती है। अन्यथा जब उनका अपना इंटरनल मसला आता है तब वो इसी तरीके से संस्थानिक हत्याएं करते हैं, इस तरीके से जो है उनका मर्डर करते हैं। याद कीजिए, सिर्फ इंद्र मेघवाल पहला केस नहीं है, इंद्र मेघवाल से पहले हमने जितेंद्र मेघवाल की भी हत्या देखी थी, जहां उस नौजवान को सिर्फ मूछ रखने के नाम पर मार दिया गया। आज जो दलित बच्चे के साथ जो हुआ है, आगे ऐसा ना हो, इस पर हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है जितेंद्र मीना जी से बात करेंगे कि उनका क्या मानना है कि आज जो हिंदू संगठन है वो कहाँ चले गए, जो दलितों को हिंदू बताकर उनको लड़ाई में आगे कर दिया जाता था, मंदिर मस्जिदों की लड़ाई में आगे कर दिया जाता था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आगे कर दिया जाता था, आज जब दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो वो हिंदू संगठन कहाँ चले गए। देखिए, इंद्र मेघवाल की हत्या के बाद हिंदू धर्म की रक्षा हो गई और इसीलिए हिंदू संगठन जो है चुप है, क्योंकि यही तो हिंदू सोशल ऑर्डर कहता है कि जो अछूत तबके के लोग हैं, जो दलित हैं, पीड़ित है, शोषित तबके के लोग हैं, वो अपने आप को इसी तरीके से गुलामी की स्थिति में रखें, और यही वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं बार बार, और इसीलिए वो अब चुप हो जाते हैं। उन्हें दलितों की याद, आदिवासियों की याद, पिछड़ों की याद तब आती है जब उन्हें मुसलमानों के खिलाफ दंगे भड़काने होते हैं, मस्जिदों के ऊपर जो है भगवा लहराना होता है, या फिर किसी मंदिर आंदोलन के लिए दंगे करवाने होते, तभी जाकर के उन्हें हिंदुओं के नाम पर दलितों की याद आती है। अन्यथा जब उनका अपना इंटरनल मसला आता है तब वो इसी तरीके से संस्थानिक हत्याएं करते हैं, इस तरीके से जो है उनका मर्डर करते हैं। याद कीजिए, सिर्फ इंद्र मेघवाल पहला केस नहीं है, इंद्र मेघवाल से पहले हमने जितेंद्र मेघवाल की भी हत्या देखी थी, जहां उस नौजवान को सिर्फ मूछ रखने के नाम पर मार दिया गया। उसके बाद में भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुए, लेकिन क्या सरकारों ने, प्रशासन ने उससे सबक लिया? नहीं लिया। जो लोग इस तरीके की हत्याएं कर रहे हैं, क्या उन्होंने सबक लिया? नहीं लिया। अगर सबक लिए होते तो इंद्र मेघवाल की हत्या नहीं होती, इंद्र मेघवाल आज जिंदा होते। प्रशासन ने सबक लिया होता तो 23 दिनों तक FIR बिना लॉज के नहीं रहती, पुलिस में केस दर्ज हो चुका होता। आप याद कीजिए डेल्टा मेघवाल को, 2018 के आसपास डेल्टा की भी हत्या हुई, डेल्टा मेघवाल को इन्हीं लोगों ने मारा, इसी जात के लोगों ने मारा, उस पढ़ने लिखने वाली बच्ची को, जो अपने इलाके की पढ़ने लिखने की बेहतरीन बच्ची थी, खेल कूद में अच्छी बच्ची थी, उसे मार दिया गया। उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसके स्कूल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए डेल्टा के परिवारजनों ने, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में ये इस बात का सबूत है कि सरकार चाहे राजस्थान की हो, चाहे सरकार दिल्ली में बैठी हुई सरकारें हो, वो लोग जाति के सवाल पर अपना मुंह नहीं खोलते हैं। प्रधानमंत्री ने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया, एकता अखंडता की बात की, लेकिन शायद प्रधानमंत्री जी इस बात को भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग ही है जो इस देश के को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वही लोग हैं जो दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मैं इसी बीच में सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि उस बच्चे के परिवार वालों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा पीटा तक जा रहा है, कल की घटना देखी बताई जा रही है सामने, क्या चीज़? ये कोई नया नहीं है, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ जो है उत्पीड़न के बाद सरकारों की ओर से डराना, प्रशासन की ओर के धमकाना, ही कोई नया नहीं है। इंद्र मेघवाल के परिवारजनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नया नहीं है। दलित इस चीज को पिछले लंबे समय से भुगत रहे हैं, हमने अंग्रेजी हुकूमत के दौर में भी ये चीज देखा, हम आज भी देख रहे हैं। भले ही हमें आजादी को मिले अंग्रेजों से 75 साल हो गए, लेकिन जाति से आजादी हमें आज भी नहीं मिली, उस शोषण से, उस भेदभाव से आजादी हमें आज भी नहीं मिली, वो आज भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में ये बेहद जरूरी है हमारे लिए समझना कि प्रशासन जो करता है वो हमें डराने के लिए करता है, क्योंकि वहां पर भी हमारे लोग नहीं है। आप देखिए, जितेंद्र मेघवाल के केस में भी यही हुआ, प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी चार्ज हुआ था,
या परिवारजनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो दरअसल आपको साइलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो डंडे के जरिए चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मोटिव यही है कि आप अपनी आवाज बुलंद ना करें, आप सवाल ना पूछें। आप याद कीजिए, जब राजस्थान का केस चल रहा है उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के भीतर बरखेड़ी पुलिस स्टेशन में एक आदिवासी बच्ची पिछले 16 दिनों से उसको अपहरण करके उसको गैंगरेप करके मार दिया गया। आज भी उसके परिवारजन जो है एफिडेविट लेकर के कोर्ट में जा करके दे रहे हैं कि हमारी FIR दर्ज कर ली जाए, लेकिन अभी तक नहीं की जा रही है। आप याद कीजिए 13 अगस्त को उड़ीसा के भीतर आदिवासियों का 30 एकड़ का जंगल जो है, खेती जो है नष्ट कर दी गई, उनके घरों को जला दिया गया। ये आज़ादी के 75वें वर्ष में हो रहा है। तो सही मायने में अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश का जो हुक्मरान है वो हुक्मरान दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को उसे हिस्सेदारी नहीं देना चाहता, उसे वो गुलाम बना करके रखना चाहता है। और इसीलिए लगातार हत्या दर हत्या का सिलसिला चल रहा है। पानी की लड़ाई का संघर्ष इस देश में 100 साल पुराना है। बाबा साहब 1927 में ये लड़ाई लड़े थे, और वो लड़ाई जब हम 2022 में लड़ रहे हैं तो ये इस बात का सबूत है कि पानी के लिए हमें और भी लंबी लड़ाई लड़नी है। देखिए एक चीज़ ये जान लीजिए कि जिस तरीके का खेल है आप इसको उलट देते हैं, तो हमने कन्हैया का केस देखा, जिस तरीके का सरकारी ट्रीटमेंट, हमने राजीव तिवारी का ट्रीटमेंट देखा लखनऊ के भीतर, जिस तरीके से एप्पल एरिया मैनेजर जो है एक जो है उनकी हत्या हुई और उसके बाद जिस तरीके का ट्रीटमेंट था। आप देखिए जैसे कास्ट बदलेगी तो जो ट्रीटमेंट होगा सरकारों का वो बदल जाता है। कन्हैया लाल के केस में 50 लाख का मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी दी गई। इंदर के केस में 5 लाख का मुआवजा दिया गया। आप देखिए एरिया मैनेजर के केस में लखनऊ, राजीव तिवारी के केस में 1 करोड़ का मुआवजा, OSD की उनकी मैडम को नौकरी, लखनऊ में घर, वो तमाम। तो आप इस पूरे चीज को समझेंगे तो पता चलेगा कि सरकार में बैठे हुए लोग भी उसी तरीके से जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, इसी तरीके से वो सामंती मानसिकता के लोग हैं, इसी तरीके से वो छुआछूत और जाति को मानने वाले लोग हैं। इसीलिए ये लड़ाई जो है बड़ी लंबी लड़ाई है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो राजस्थान में जो घटना हुई है इंदर मेघवाल की जो घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जो एक 9 साल का बच्चा, जिसे कुछ अभी पता नहीं था, लेकिन उसे एक टीचर के द्वारा, एक दरिंदे टीचर के द्वारा उसे मार दे, इतना पीटा जाता है कि वो अपनी जान गवा बैठता है। तो जिस देश में जहाँ पर अगर जो दलित हैं वो उनको हिंदू समझा जाता है, कि आज वो दलित जो आज जो हिंदू संगठन है वो कहाँ चले गए, आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो घटनाएँ देश भर में सभी के सामने आती रहती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। मीडिया से गौतम HNP न्यूज़ के साथ, धन्यवाद।